वंस अगेन वेलकम टू ऑल इन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। दिस वीडियो फॉर स्टैंडर्ड वन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 डे 1। मेरे प्यारे बच्चों, नए चैप्टर के लिए आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जो आप तक में आप चैप्टर 9 तक पढ़ चुके थे, लेकिन चैप्टर नंबर 10 आज हम स्टार्ट करने वाले। तो आप लोग कॉन्सेंट्रेट हो जाइए माइंड को और कंप्लीटली आप अपने माइंड को फोकस कीजिए स्टडी पे, तो आपको बहुत ही मजा आएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग नाश्ता पानी कर लिए होंगे, अगर नहीं कर किए हैं तो पहले नाश्ता कर लीजिए, फिर पढ़ाई में आप लोग जुट जाइएगा। और जो भी प्रॉब्लम होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप जरूर कमेंट्स करें, मैसेज करें या आप कॉल करें, जरूर डाउट को क्लियर कर लिया कीजिएगा। तो चलिए हम इस टॉपिक को आज का स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10 में पढ़ना है हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में। क्या पढ़ना है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो देखिए, आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का स्पेलिंग याद करना। अगर आप एक क्लास में ना कम से कम इसका स्पेलिंग भी याद कर लेते तो बहुत बड़ी बात होगी। देखिए कैसे, ए डबल डी आई, बोले तो ए डबल डी आई टी आई ओ एन एडिशन, ए एन डी एंड एस यू बी टी आर ए सी टी आई ओ एन सब्ट्रैक्शन याद कर लीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। एडिशन मतलब ही क्या होता है? ऐड करना है, दो नंबर को क्या करना है, आपस में ज्वाइंट करना है, कंबाइन करना है, टुगेदर करना है, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, ऐड कहते हैं। सब्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? लेस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब क्या, हटाना है। जैसे एक एग्जांपल से आपके पास रहता है 10 रुपीज, क्या रहता है 10 रुपीज, अब उसमें से 2 रुपीज का आप टॉफी खरीद लिए, अब तो कितना पैसा बचेगा, कितना रुपीज बचेगा? तो देखिए 10 रुपीज में से 2 रुपीज का खरीद लिए, कितना बचेगा, 8 रुपीज बचेगा। यही क्या कहलाएगा, सब्ट्रैक्शन। आपके एडिशन कैसे बनाते हैं? आपके पास 10 रुपीज था और फिर पापा 5 रुपीज दे दिए, तो 5 रुपीज दे दिए तो कितना हो गया, तो 10 और 5 कितना, 15। तो कैसे करेंगे देख लीजिएगा, हम दो एग्जांपल पहले आपको बताएंगे जो आपके बुक का पेज नंबर 112 में मिलेगा आपको। 35 + 7, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 23 + 5। चलिए ये दो एग्जांपल हम आज आपको सबसे पहले बताएंगे। तो देखिए, तो अब देखो वंस के प्लेस पे है, यहाँ भी वंस के प्लेस पे है, तो उसको एक साथ देखिए, वंस वाले को साथ वंस का करेंगे, तो टेंस के प्लेस पे है तो टेंस वाले के साथ ऐड करेंगे, 100 के जगह पे है तो 100 का, तो आपको तो 99 तक सीखना है, मतलब क्या 2 डिजिट, मतलब 10 तक ही। तो देखिए वंस, तो 5 वंस और 7 वंस, 5 और 7 कितना होगा, 12 का कितना होगा, 2। देखिए 12 ऐसे लिखते हैं ना, 1 2, इसमें जो वर्स वाला होता है उसको हम लिख लेते हैं, लेकिन टेंस वाले उसको रखे रहते हैं अपने पास में। तो देखिए तो वर्स रखे रहेंगे, थ्री यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो 3 वो वर्स को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। यही क्या हो जाएगा, 4 आंसर, मतलब क्या, इसका आंसर हो जाएगा 42। क्या आंसर हो जाएगा, 42। एक और क्वेश्चन देखिएगा, 23 है, 23 + 5, देखिए वर्स की जगह पे जो है उसको पहले ऐड करेंगे, तो 1 पे 5 है, 1 पे 3 है, तो 5 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, क्या होगा, 8 होगा। अब देखिए यहाँ पे टेंस की जगह पे कुछ है क्या, नहीं ना है, तो मान लीजिए नहीं है कुछ, तो आप अपने मन से क्या दे सकते हैं, 0 दीजिए तो भी ठीक, नहीं दीजिएगा तो भी ठीक। तो देखिए 0 + 2 कितना, 2 होगा, तो 2 को लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 28। क्या आंसर हो जाएगा बोलिए, 28। तो इसी तरीके से कुछ ऐड को पहले आप बनाइएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको सब्ट्रैक्ट बताएंगे, पहले कुछ हम आपको ऐड का प्रैक्टिस करवा दूँ फिर सब्ट्रैक्ट का। तो इस तरीके से आप बनाइएगा पेज नंबर 112 113, आप बना के लाइए 113 तक, तो फिर अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछिएगा कॉमेंट्स करके, नहीं तो अगले क्लास में फिर हम इसे आगे बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर टुडे।